नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर, और स्वागत करता हूं आपका मैं दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी के प्राकृतिक रूप से सौंदर्य पूर्ण स्थलों पे दोस्तों। जी हां, इस समय मैं हूं दोस्तों वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के इस समय मैं दोस्तों हूँ सिलीगुड़ी से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर ओडलाबाड़ी में, और वहाँ से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मैं एक आपको खूबसूरत नदी दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और बाकी सामने आप देख सकते हैं पहाड़ हैं। आज पता नहीं क्यों दोस्तों पहाड़ साफ नहीं दिख रहे हैं, उन पे धुंध छाई हुई है, इस वजह से जो है क्लियर व्यू नहीं आ पा रहा है, लेकिन इस नदी का क्लियर व्यू आप ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त नदी है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नदी है, ये देख सकते हैं इसका बहाव, बहुत ही प्यारा व्यू। और एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, ख़ास तौर से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे शहर वेस्ट बंगाल की, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। खूबसूरती की वजह है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। जी हाँ दोस्तों, वो जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना दोस्तों, वो हिमालय पर्वत के ही अवशेष हैं दोस्तों, और उन्हीं की गोद से यह नदियाँ, छोटी मोटी नदियाँ निकल करके आ रही हैं। और इसका पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल दूधिया कलर का। जी हाँ दोस्तों, दूधिया कलर का पानी है, जो कि और भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू प्रदान कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है दोस्तों, इतना पास से और इतनी छोटी नदी देखना बहुत ही असंभव होता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ संभव है दोस्तों। यहाँ पे आप प्राकृतिक छटा का बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे दुर्लभ नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही दुर्लभ नज़ारे और दुर्लभ प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता रहता हूँ अपने चैनल पर। और सामने पहाड़ी आप देख सकते हैं दोस्तों, तो अभी मैं इस नदी को उस पार दिखाऊंगा, उस पार से इसका बहाव दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नदी है, बहुत ही छोटी सी है, प्यारी नदी है। फाइनली ये जाकर के तिस्ता नदी में मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बट ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों। यहाँ फील करिए इसकी आवाज़ को दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों। यहाँ अगर आप बैठेंगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप टेंशन फ्री हो सकते हो यहाँ पर आकर के, इस प्राकृतिक खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, सामने पहाड़ी और उस पहाड़ियों की गोद से ऐसी छोटी छोटी दूधिया कलर की नदियाँ आपका मन मोह लेंगी दोस्तों, आपको यहाँ से जाने नहीं देंगी। ज़बरदस्त दोस्तों, अभी मैं इस नदी को उस पार से दिखाता हूँ, रोड के उस पार से। बाकी एक बार आप ये देख सकते हैं, बाकी चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखाता ही चल रहा हूँ। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, मतलब चारों तरफ नहीं, सामने पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। और एक बार मैं इस नदी को जो है दूसरे साइड से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा व्यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस नदी को उस पार से मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इधर से, उधर से वो नदी प्रवाह होकर के आ रही है, देख सकते हैं उधर से प्रवाहित होती हुई और इधर से निकल जा रही है इस पुलिया में से दोस्तों। ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है, और इसका बहाव काफ़ी तीव्र गति से है दोस्तों, क्योंकि ये कम एरिया में, कम चौड़ाई में अधिक पानी लेकर के जा रही है दोस्तों, इसलिए इसका बहाव और भी ज़्यादा तीव्र गति से हो गया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारा दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार व्यू देख। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये पानी जो है इस टाइम दूधिया कलर का दिख रहा है, आप देख भी सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इससे ये और भी ज़्यादा चमकदार हो जा रहा है, जिससे एक शानदार व्यू प्रदान कर रहा है दोस्तों। एक प्राकृतिक छटा जो बन करके उभर रही है, वो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यजनक है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर वीडियो का वेट करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।